बाबू। हाँ जी। हेलो बाबू, ऐसा है कि भोला पंडित है जो, हाँ जी। वो किराना वाले हैं, भोला पंडित जो दुकान है किराना की। हाँ जी, समझ गया, बताओ। तो बाबू वो हमका नंबर दिए हैं आपका, हमसे कहत रहे हैं कि उनसे जो हेल्प चाहते ले लियो। अब ना ना, कोई बात नहीं, बताओ बताओ। देखा, हमारा बेटवा कक्षा 10वीं में पढ़ता है, वो आज स्कूल से वापिस आवा है, तो हमसे कहते हैं कि पापा कुछ पेपर दिया है हमका, कि पापा ये प्रिंसिपल ने मैडम ने दिया है हमको, एग्रीकल्चर के बारे में ही, खेती बाड़ी के बारे में प्रोजेक्ट बना था, तो वही लड़कन दिया है हमका। तो हमका समझ ना आवत रहा, तो ये हमका भोला पंडित बोले हैं कि बेटवा बेटवा के पढ़ाई के लिए और आपसे बात कर लें, आपका नंबर भी दिया है, तो कहें बता देंगे वो। तो बाबू उसका थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं अगर तो बड़ी कृपा होगी, और को पता ना है बेचारा बहुत परेशान है, तो एक बार आप जरा बात कर लीजिए, थोड़ा बता ही दें। हे हाँ, बुला लो। बचवा, यहाँ आओ। कहाँ हो? यहाँ आओ, पहले अंकल से पूछ लो जो पूछे है, अंकल बता रहे हैं, पूछ लो। नमस्ते अंकल। हाँ, नमस्ते बेटा, बोलो। अंकल पेपर में दिया है, मैडम ने बोला है लिखने को कि आलू खेती जो होती है कितने प्रकार की होती है, हमारी इंडिया में आलू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आलू होते हैं। हाँ लिखो, मैं बताता हूँ। हाँ जी अंकल। इसका इसका नाम लिखो। आलू कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है देसी, अच्छा एक हल्द्वानी भी होता है। अच्छा कोशिश करनी चाहिए कि इसको दोमट मिट्टी में लगाएं। दोमट मिट्टी में लगाए जाते हैं। ठीक, हाँ जी, समय अनुसार इसमें खाद पड़ती रहती है, समय अनुसार इसमें खाद पड़ती रहती है। जल्दी जल्दी खाद पड़ती रहती है मतलब। ओके। हाँ, जिससे कहीं पौधा सूखे ना। और हाँ, आलू बोते समय एक बात का ख्याल रखें कि इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल करें। ओ, जैविक खाद। ओके ओके। पूरे भारतवर्ष में बिहार में एक गांव है नालंदा, वहां सबसे अच्छा आलू होता है। अंकल ये इसमें मिर्च का भी लिखा हुआ है, हाँ? हमारे इंडिया में मिर्च भी पैदा होती है, हाँ? नहीं मिर्च की पैदावार भी हमारे इंडिया में होती है, लिखा हुआ है। मिर्च की बेटा बहुत जगह पैदावार होती है, शिमला में भी होती है, हमारे यहाँ बल्कि निर्यात भी होता है बाहर के मुल्कों में, मतलब बाहर के मुल्कों में भी भेजा जाता है। अच्छा, मतलब कई मुल्कों में जाती है। हाँ, हाँ, बहुत मुल्कों में जाती है और बहुत अच्छी मिर्च बनती है। हेलो अंकल, हाँ पापा भी नहीं है, चले गए हो जरा, एक सवाल आपसे मुझे पूछना था, पूछ लो अंकल। ना ना, कोई बात नहीं, बताओ बताओ। ये जो मिर्ची आपने बताई ना, ये मिर्ची ये मुंह के अलावा और कहाँ लगती है, हैं? ये मिर्ची 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 जो है आप बता रहे हैं ना, मिर्ची ये मुंह के अलावा और कहाँ लगती है। मुंह के अलावा? हाँ, और कहाँ लगती है मुंह के अलावा। कहना क्या चाह रहा है? बाप को दे जरा अपना फोन। अंकल आप बता दो ना, मुंह के अलावा और कहाँ लगती है। अरे बाप को दे तू फोन, मैं ये पूछना, क्या कहना चाह रहा है तू? उन्होंने लिखा है मुंह के अलावा और कहाँ लगती है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ अंकल, तेरे पेपर में ये लिखा है? मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए, उन्होंने लिखा हुआ है। तो बाप को दे अपने फोन, तू दे दे फोन। हेलो यार, आपने अपने बेटे को फोन पकड़ा दिया, मजे लेने के लिए फोन किया है? नहीं, आप हमका ही बताओ, आप चिल्लात कहाँ हैं? क्या क्या पूछ रहा है मैं सो? हाँ, कहाँ कहा था बताओ, कहाँ कहा था? और ये पूछ रहा है कि मुंह के अलावा और कहाँ लगती है मिर्च, हैं? तो आप बताए काहे ना दे था उसे, बता ही दो। ओ, तू पागल आदमी है क्या? हाँ, वो हद पूछत है कि मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ लगती है, मतलब तेरे बेटे को बता तो बताने में आपको परेशानी का बा कहा हो परेशानी, अब बताए दे, काहे नहीं बता रहे हैं आप? दूं अभी, क्या ये मैं बता दूं कि मैं लगती है मिर्च, क्यों बताऊं, बताओ बताओ। नहीं देखा बाबू, आपके प्रॉब्लम का भाई, हम मैं बताऊं तो वो हमारा बेटवा ने यही पूछा है ना कि मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ लगती है, तो सीधा सीधा आप बताए दे,
खेत में लगती है। हाँ, इसमें परेशानी क्या है? तो आप बतावत कहने हैं कि खेत में लगती है मिर्ची। फिर भी एक पूछने तरीका होता है भाई। चलो कोनो बात नहीं, उका आप यही बताए दो, हम बुलाएगा। रहने दो यार, अभी उसकी बातें सुन के मेरे में खुद मिर्च लग गई है। रहने दो यार, नहीं बात करना मुझसे। तो साले चले आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से।